हम लोग माया में न हैं, ये कहाँ से सीख ली। यही गृहस्थी जीवन जीने वाला जनक कितना अच्छा ढंग रहा होगा जनक का, जब सुखदेव के अंदर वैराग्य का उभार हुआ, अध्यात्म ज्ञान जानने की अप्रतिहत जिज्ञासा उत्पन्न हुई उसके अंदर। महर्षि वेदव्यास से उसने कहा कि पिताजी मुझे अध्यात्म ज्ञान चाहिए, का सीधे जनक के पास चले जाओ। सुखदेव जन्म का वैरागी और जनक जी बाल बच्चेदार गृहस्थ आदमी, कम से कम गृहस्थी जीवन आपको मालूम पड़े कि माया ग्रस्त जीवन है, ये ऊपर उठ नहीं सकता है, तो एक बार जनक की तरफ देख का ही नहीं लेते हो, आपके अंदर की कमजोरी निकल जाएगी। भारतवर्ष का गृहस्थ आश्रम ऐसा हुआ है जिसके वहां सामने विरक्त वर्ज साधुओं ने सिर झुकाया है। सुखदेव किए गुरु जनक विदेही, वो भी गुरु के परम स्नेही। आप लोग कहां से रट लिए हैं, क्या करें साहब, माया। एक आदमी हमसे कहा कि क्या करें साहब, माया में न है हमके, तुम हो माया में, हम है गया में। माया समझते किसको, शरीर को माया कहते हो तो शरीर माया नहीं है, इतना हीन भाव शरीर के साथ मत रखो। शरीर माया नहीं है, शरीर परमात्मा को रहने का मंदिर है। मिट्टी पत्थर की मूर्तियां जिसमें रहती है उसको मंदिर कहते हो, वहां सिर झुकाते हो। जिस मंदिर के अंदर स्वयं परमात्मा रहता है उसको कहते हो माया है। शरीर के प्रति अच्छा भाव बनाइए, शरीर माया नहीं। शरीर माध्यम खलु सर्वसाधनम, नीतिविद ने कहा है, शरीर प्रकृति की ओर से वह मिला हुआ साधन है कि जिससे हम सेवा का काम कर सकते हैं, जिससे हम साधना का काम कर सकते हैं, जिससे हम योग कर सकते हैं, जिससे हम भोग कर सकते हैं। योग भोग सेवा और साधना का प्रमुख साधन शरीर है, उसको माया कैसे कहते हैं। और शरीर के प्रति इतनी हीन भावना क्यों है। मंदिर को माया नहीं कहोगे, उसके प्रति बड़ी आस्था है, वहां तो फूल पत्ती चढ़ाओगे, वहां तो अगरबत्ती चढ़ाओगे, अगरबत्ती ऐसी वैसी अगरबत्ती नहीं, कहेगा गायत्री देना चाहे मराठा। और दुकानदार से कहोगे अच्छी क्वालिटी की मिस्त्री देना, भगवान को भोग लगाना। इस शरीर के प्रति कितना उदास है, जबकि उस मंदिर को बनाने वाला मिस्त्री कारीगर ईंट सीमेंट बालू छड़ से जोड़ करके कहीं चला गया बेचारा, उसमें है नहीं, मजदूरी ले गया। मस्जिद को बनाने वाला कारीगर बना दिया और मजदूरी लेकर घर चला गया। ये जो मंदिर बाहर ऊपर नीचे बाएं दाएं बैठा है, इस मंदिर का रचयिता सदगुरु कबीर का चश्मा लगाओ नेत्र पर, तो ये मंदिर और मंदिर के रचयिता को समझ सकोगे। गढ़ी जो अपने हाथों से प्रभु ने 9 महीने में बना के मूर्ति सुंदर है बैठा आप सीने में, इस शरीर रूपी मंदिर को गढ़ने वाला मिस्त्री इसी के अंदर बैठा हुआ, जिसको शरीर ईश्वर कहा गया गीता में, शरीरस्य ईश्वर शरीर ईश्वर, शरीरं यदवापनोति जच्चा प्रयुत्क्रामति स्वरः। इस शरीर का निर्माता ईश्वर शरीर के अंदर ही बैठा हुआ है, इसको कहते हो माया है। बहुत से बाबा लोग तो कहेंगे पैखाना पेशाब की फैक्ट्री है, अब परमात्मा का निवास स्थान इसमें ही पॉइंट्स क्या हो गया तुमको सुनने में, खाली ये देख रहे हो कि मिट्टी है, पानी है, आग है, हवा है, पैखाना है, पेशाब है, खून है, नेटा पोता है, किंतु इसी मलिन शरीर में अतिशय पवित्र अतिशय दिव्य परमात्मा बैठा हुआ है। इस शरीर के प्रति बहुत हीन भाव नहीं रखना चाहिए। हम लोगों की हीन भावना है
वो मंदिर में चढ़ाएंगे तो वहां चाहिए अगरबत्ती मराठा बढ़िया क्वालिटी के मिश्री, आ जिसमें भगवान स्वयं विराजमान है ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, वहां अगरबत्ती नहीं चाहिए। असरगंज बाजार में थे हम, मुंगेर का एक छोटा सा पुराना बाजार है, एक गांजाखोर समिति का समूह बैठा हुआ था, उसमें एक आदमी गांजा पीने लगा था, मोछें उसकी बड़ी बड़ी थी, पूरी हिम्मत उसने लगा दी, पूरी जवानी का जोश लगा दिया वो गांजा वाला चिलम में, गिट्टी ठीक करके उस गांजा बोझ करके आग लगा दिया लोग, एक दो बार आदमी उसको सुलगाया उलगाया और मोछ वाला को दिया है, तो बहुत विचित्र स्थिति हो गई। चिलम में एक नीचे कपड़ा लगा हुआ आता है लाल लाल, मोच की गर्मी में बेचारा काई भगवा क्या पहना दे फेंको इसको, अब उसके बाद खाली चिलम लिया, दो बार तो इधर उधर किया और तीसरी बार इतना जोर लगा दिया कि धुआं के साथ साथ जो उसमें गिट्टी होती है ना, गिट्टी सहित सबको खींच लिया, हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, सब यहां से वहां तक छाला पड़ गया उसको। वहां तो अगरबत्ती चाहिए, यहां गांजा चाहिए, ये सही बात कबीर और कबीर विचार मंच कहे। अधिकांश लोग कहता है कबीरा है कुछ नहीं मानता है, ये आपका दुर्भाग्य है जो आपको कुछ नहीं मानता है, ये आरोप कबीर पंथ पर लगाते हैं। वहां चाहिए मराठा और गायत्री, आई भगवान के मंदिर के गेट पर लैला मैनू बीरी, स्टैंडर्ड कहीं ऊंचा हो तब पनामा, करगर जवानी हो तब तो फिर गांजा भांग क्या पूछना, गुटखा गुराखू। अभी कई आदमी गया हमारे पास मिलने, बड़ी नफरत हो जाती है, अंत में तकलीफ भी हो जाऊंगे, सब लोग पीछे हट करके बात करो, क्योंकि तुम्हारे मुंह की बदबू को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। कौन कौन पुड़िया खा, हमारे छत्तीसगढ़ में जा रहे थे एक दिन हम, रास्ता हमारा भ्रमित हो गया, एक चौराहा पर गाड़ी खड़ी करके मैंने इशारा किया लोगों को मैं रायपुर जाना चाहता हूँ, किस तरह से जाऊँ। एक इंसान था बेचारा, वो धीरे धीरे आता था, दूसरा आदमी तो मुँह घुसा दिया गाड़ी में, उसको हम नहीं बुलाए थे, वो अपने मन से आ गया, गाड़ी के अंदर मुँह घुसा दिया, शराब भी पिए हुए था, और जो गुटखा गुराखू क्या होता है उड़िया पुड़िया सो भी खाए हुए था, विचित्र सांस में गंध थी। हमका भैया तुमको तो हमने बुलाए थे, बोले थे उस इंसान को, हम रास्ता खोज रहे हैं रायपुर जाने का, और तुम रास्ता बताने आए हो ऊपर जाने का, हम तो रायपुर का रास्ता खोज रहे थे, तुम्हारी सांस में ऐसी दुर्गंध है कि इधर का रास्ता भूल जाएगा, ऊपर वाला रास्ता मिल जाएगा हमको, काहे वातावरण को इतना प्रदूषित कर रहे हो। आज वातावरण में प्रदूषण है, चारों तरफ हो हल्ला है, प्रदूषण मुक्त समाज हो, प्रदूषण है कहां, मानव मस्तिष्क का प्रदूषण है, और मानव मस्तिष्क का प्रदूषण पूरे वातावरण में, पानी में, हवा में, सब कुछ में प्रविष्ट होता जा रहा है। मानव मस्तिष्क प्रदूषण मुक्त हो, आज मानव मस्तिष्क प्रदूषित है, उसके मुख्य चार कारण हैं, जातीय संकरणता, ये कम बड़ा प्रदूषण नहीं है, समय कम है, छोटा छोटा उदाहरण दे करके बात को आगे बढ़ा दूंगा। जातीय संकरणता जो प्रदूषण है, इसमें बर्मन खीस स्टेशन बैठा हुआ गाड़ी पकड़कर हमको बिहारीगंज की तरफ जाना था, एक आदमी और दूसरे छोर पर बैठा हुआ है बेंच पर, बहुत मोटी मोटी मोछ वाला चेहरा देखते बनता, एक आदमी उधर से आया हाथ में अखबार लिए हुए, कहा रुपोली प्रखंड में एक लड़का आईएएस कंप्लीट कर गया है, यही रुपोली
हमने कहा धीरे धीरे काहे बोलते हो, नाचो ना। तुम्हारी ही जिले का एक लड़का आईएएस कंप्लीट कर गया, आदमी से कोई ईर्ष्या द्वेष कम से कम चींटी को तो चीनी बांटो। इतना उल्लास का विषय है कि तुम्हारे गांव में, तुम्हारे प्रखंड में एक लड़का आईएएस कंप्लीट